ईरान से टेंशन के बीच इसराइल और अमेरिका ने साझा एयर डिफेंस ड्रिल की है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बचने की तैयारियों को परखा गया। थार्ड, पैट्रियट, आयरन डोम, स्लिंग सिस्टम के जरिए मजबूत सुरक्षा कवच का दावा किया गया। ईरान से टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका के दो बॉम्बर्स ने ईरान बॉर्डर के नजदीक उड़ान भरी। एलेक्स ग्रिनकेविच ने कहा, बॉम्ब टास्क फोर्स जरूरत पड़ने पर एक्शन के लिए तैयार। इसराइल की सेना पर एक फिलिस्तीनी नागरिक की हत्या का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में मारा गया शख्स पहले इसराइली सैनिकों की गोलियों का शिकार हुआ। उसने पहले इसराइली सैनिकों पर गोलियां बरसाई और बाद में जवाबी कार्रवाई में वो हमलावर मारा गया। पिच ब्लैक वॉर एक्सरसाइज में अमेरिकी F-35B की धमक। पहली बार किसी मल्टीनेशनल वॉर ड्रिल में इस स्टेल्थ विमान ने अपनी ताकत दिखाई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस कर्टिन में जारी युद्धाभ्यास में 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। रूस के वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास पर जापान ने ऐतराज जताया। जापान सी में रूस चीन की सेनाओं ने आर्टिलरी शूटिंग की। जापानी चिंताओं को देखते हुए भारतीय नेवी ने ड्रिल से दूरी बनाई। फिलीपींस और इंडोनेशिया ने बॉर्डर सिक्योरिटी और रक्षा सौदे पर सहयोग और मजबूत किया है। दोनों देशों में सुरक्षा को लेकर बड़ी डील हुई है जिसमें बॉर्डर पेट्रोलिंग भी शामिल है। पोलैंड बॉर्डर पर हॉविट्ज़र्स की बड़ी खेप नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हॉविट्ज़र पोलैंड के रास्ते यूक्रेन भेजे जा रही हैं। ट्रेन के जरिए हॉविट्ज़र ट्रांसफर किए जाने का वीडियो वायरल है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस को चेतावनी दी है। लावरोव ने कहा कि ट्रस का रूस के प्रति रवैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद नहीं करेगा। रूस ने कहा कि ट्रस की मौजूदगी से दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन को चेतावनी दी है। बोरिस ने फेयरवेल स्पीच में कहा कि पुतिन इस भ्रम में न रहें कि वो ब्रिटेन को ब्लैकमेल करने या धमकाने में कामयाब होंगे।